डार्लिंग, 8 महीनों से हम इन जंगलों में भटक रहे हैं। हम भटक नहीं रहे हैं डार्लिंग, हम समय के अंधेरों में खोए हुए शाकाभूमि कबीले और उनकी सभ्यता के आसार ढूंढ रहे हैं। हम लोग यहाँ हैं और शाका भूमि भी यहीं कहीं होना चाहिए। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए शाका भूमि ढूंढने जा रहा हूं। और डोंट वरी डार्लिंग, 10-12 दिनों की तो बात है, उसके बाद हम वापस चलेंगे। ओके, आई प्रॉमिस। Tarzan.
पीटीआई के संवाददाता का कहना है कि वो चीज जिसे एपमैन या टार्जन कहा जा रहा है वो कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि जनाब सेठी साहब जो अपने साथियों के साथ जंगुंडा के जंगलों में 4000 साल पुराने शहर शाका भूमि के आसार तलाश कर रहे हैं, उनके एक साथी कुमार ने उस हैवान या इंसान को खुद देखा जो उनसे लगभग 2 फरलांग के फासले पर था। वो चीज एक जानवर से लड़ रही थी, लेकिन सेठी साहब का ये कहना है कि जिस वक्त कुमार ने ये देखा वो नशे की हालत में थे। लेकिन सेठी साहब का यह भी कहना है शराब के नशे के बावजूद कुमार हमेशा से सही खबरें देते आ रहे हैं, इससे ये लगता है कि अब वो टार्जन की कहानी एक बार फिर से ताजा होने जा रही है। स्कॉच प्लीज। हेलो डीके। हेलो, मेरा नाम किशनकांत वर्मा है। तो आप शिकार पे जाना चाहते हैं? जी नहीं। तो फिर? मैं अपोलो सर्कस का मालिक हूँ। मुबारक हो। आप परसों शिकार पर जा रहे हैं ना? तुम जिधर जा रहे हो उधर मेरा भी एक काम है, मैं ट्रिप के लिए पूरा खर्चा दूंगा, और अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो 1,00,000 रुपया ऊपर से दूंगा। क्या काम है आपका? जिस तरह से तुम जंगल से शेर चीते हाथी पकड़ कर लाते हो, उस तरह से मेरी सर्कस के लिए एपमैन यानी टार्जन को पकड़ कर ले आओ। टार्जन? क्या करोगे उसका? दरअसल मेरे सर्कस के सारे शोज अब पुराने हो चुके हैं, सारे जानवर पुराने हो चुके हैं। टार्जन मेरे सर्कस के लिए एक नया जानवर होगा, नए खेल खेलेगा, नया तमाशा करेगा और लोगों में एक नया एक्साइटमेंट बन जाएगा। मेरे लिए भी वो एक नया शिकार होगा। एक लाख? Yes. And all expenses paid in any currency that you want. Very interesting. जाना है, चलोगे? नहीं। मेरे पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। चलो। आज तो किस्मत खुल गई, लड़की भी मिल गई और पैसा भी। इसे बचाएगा कौन? चले। जैसा हम कहे वैसा ही करती जाना है। क्या मतलब? घबराओ मत, एक एक करके मैं भी तुमको एक एक करके मारूंगी। ए!
आई एम रूबी। जानता हूँ तुम कौन हो, लेकिन यहाँ क्यों आई हो? मेरा यहाँ आना जरूरी था आपको ये बताने के लिए कि आई हेट यू। पंद्रह हजार किलोमीटर दूर तुम मुझे ये बताने आई हो कि तुम मुझसे नफरत करती हो? अरे एक दिन की तो मोहब्बत के लिए ही काफी नहीं होती, समझी ना मैं क्या कह रहा हूं। आओ ठीक है शरी साहब, कम मीट माय डॉटर रूबी। हेलो ठीक है। इसकी माँ और मैं जब अलग हुए थे तो सिर्फ एक साल की थी। ये झूठ है, आपने मेरी माँ को छोड़ दिया था। एक्सक्यूज मी सरी साहब, चलो। आपको शायद मालूम नहीं कि आपकी पत्नी मेरी माँ ने मुझे पालने में कितनी मुश्किलें सही हैं। देखो बेटी, जब कोई घर टूटता है ना तो किसी एक का कसूर नहीं होता, दोनों मियां बीवी का बराबर का कसूर होता है। अब जब तुम मेरे नजदीक आओगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ना तो सारा का सारा गुनहगार मैं था और न ही तुम्हारी मां। लेकिन उसे तुम्हें आने का नहीं दिया मेरे पास। बिकॉज शी इज डेड, और मरने से पहले उन्होंने मुझे यही कहा था कि बेटी अपने डैड से जरूर मिलना और उनसे यह कह देना कि अगर मेरा कोई भी कसूर था तो मुझे माफ कर दे। सॉरी बेटी, आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी चाय मैंने अपने हाथ से बनाई है। थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं सब लोग? ऊपर जंगूडा के जंगल में, तुम्हारे डैड अपने शाखा भूमि शहर की तलाश में और मैं ताजन की तलाश में।
लगता है हमारी मंजिल आ गई। आओ आओ। Yes, sir. अबे लंबू जी महाराज इधर आओ, जरा ठोकना इसको ऊपर, जल्दी करो जल्दी, शाबाश शाबाश, जरा इसको उधर ले जाओ, चलो भाई चलो जल्दी करो। तेरी साहब बड़े अच्छे वक्त पर लाए शराब। कम ऑन डीके, टेक द ड्रिंक फॉर मी। यस सर। शरी साहब आपकी बेटी बहुत बहुत समझदार है और खूब और खूब खूबसूरत भी। टार्जन की। तो टार्जन भी अजीब चीज है, कई कहानियां हैं इसके बारे में। बेटी ये जंगल तो उसके नाम से ऐसे बन बनाता है जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता। आज से कई साल पहले मैंने इसका जिक्र सुना था। डॉक्टर वॉट्स के एक गाइड ने 7-8 साल के एक ऐसे बच्चे को देखा जो जंगली बकरियों की तरह दौड़ता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया। एक्चुअली तभी से उसका नाम इन जंगलों में घूमता रहता है। उसके बेटे तो उससे डरते हैं, कुछ उसकी पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि टार्जन एक अटकी हुई आत्मा है। उसका तो ये कहना है कि उनके पुरखों की आत्मा टार्जन के रूप में उनकी रक्षा करने के लिए आती है और रक्षा करके गायब हो जाती है। उसका कहना है कि वो 100 फुट लंबा है, कुछ कहते हैं कि शायद 200 फुट। शेरी साहब ये सब किससे कहानियां हैं। टार्जन एक आदमी का बच्चा है जो बचपन में ऊंची पहाड़ियों में भटक गया होगा। मैं इस टार्जन को पकड़कर सर्कस ले जाने वाला हूं, एक जंगली जानवर की तरह। अरे महाराज मेरी बात सुनो, इन सब लोगों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। क्यों? सब के सब डर गए हैं जानवरों से। जी ये लोग जानवर से डरते हैं और जानवर आग से डरता है। चीयर्स चीयर्स, लेट्स एंजॉय। Thank you.
दीवाने हो गए जियो जीने का ले लो मजा जिले ले आयो आयो जिले ले मस्ती में आयो आयो जिले ले गुड मॉर्निंग, उठो देखो तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। कम ऑन गेट अप डार्लिंग। अरे आई चाय भाई, उठो सब लोग, गेट अप एवरीबॉडी। क्या हुआ सिरी साहब? देखिए मेरी बेटी रूबी गायब है। गायब? हाँ, जाओ तुम लोग ढूंढो। गो
उसने तुम्हें एक्चुअली बचाया? हैरत की बात, वो जानवर ने तुम्हें? वो जानवर नहीं है डैड, वो इंसान है। Come on, रूबी, वो एक खतरनाक वहशी दरिंदा है, उसे तुम्हारी खूबसूरती नहीं। नो डैड, आप गलत समझ रहे, वो आदमी है। देखो रूबी, आज के बाद जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे, राइट? नंबर एक, आज से कभी अकेले नहीं घूमोगी। नंबर दो, इस पिस्तौल को हमेशा अपने पास रखोगी। लो, और कभी टार्जन दिखाई दे तो उसे सीधे गोली मार। But daddy, how can I? That's my order, okay? चलो चलो। क्या हुआ? सिरी साहब, ताजन हमारे ग्रुप की लड़की को उठा के ले गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जानवर हो या इंसान, अब मैं इस ताजन को गोली मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। सिरी साहब, सब को वापस जाना चाहते हैं। क्या? हाँ सिरी साहब, इनके पैसे दुगने कर दीजिए। ठीक है। नहीं मिली लेकिन लेकिन ये देखिए, ये शाखा भूमि कबीले की चीजें हैं। चलने की तैयारी करो। डैडी, मैं अपनी कैंटीन भर लूं? जाओ। ठीक है, जरा रूबी पर कड़ी नजर रखना, टार्जन का खतरा है। ओके। Thank you.
रूबी गायब हो गई है। भाग कैसे हो? अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? मुझे तो इस जंगल का रास्ता भी नहीं मालूम।
भाई साहब आप उधर जाइए, मैं इस तरफ जाता हूँ। हर 5 मिनट बाद फायर करेंगे। अगर रूबी जिंदा हो हमें नजदीक समझकर भागने की कोशिश करेगी। मुझे लगता नहीं कि वो शैतान उसे जिंदा छोड़ेगा। तुम्हारा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, भाई बहन, कोई भी नहीं है तुम्हारा? कोई यार, कोई दोस्त? ओफो, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे ये है तुम्हारा यार, यार इसे कहते हैं यार। बहुत यार है तुम्हारे, कहाँ है वो सब? Thank you.
यार चाहिए Thank you.
मुझे अब जाना है, मुझे जाने दो। अच्छा तुम भी चलो मेरे साथ, क्यों नहीं, तुम एक आदमी हो, आदमियों की दुनिया में चलो। तुमसे अच्छा, तुमसे भोला, तुमसे खूबसूरत आदमी और कोई भी नहीं इस दुनिया में। तुम्हें भी एक इंसान बनने का हक है, मैं तुम्हें एक इंसान बनाऊंगी। आओ चलो मेरे साथ, आओ। डैडी, डैडी, लूबे, प्यार का इजहार करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कहाँ जा रहे हो? ठीक है, उस डाजन का शिकार करने। Oh,
छोड़ दो मुझे। क्या क्या हुआ? ये कपड़े पहनूं? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं कपड़े पहनूं? अच्छा बाबा। ए छोड़ दो मुझे, पहनती हूँ ना। जगह जिसे लोग जंगल कहते हैं, मुझे तो स्वर्ग लग रही है। हवा साफ, पानी साफ, रातें धुली हुई, सुबह चमकती हुई, चांद दोस्त, सूरज मेहरबान। यहाँ लगता है कि आदमी सचमुच नेचर का एक हिस्सा है। ये भी तो एक आदमी है, सभ्य सिविलाइज्ड आदमियों से बिल्कुल अलग, सचमुच का आदमी, जैसे जैसे तूने बनाया होगा। एक सादा कागज, मैं इसके दिल पर प्यार का शब्द लिखूंगी और इसे प्यार का मतलब समझाऊंगी।
सेठ साहब, ये शिकार मेरा है। चाहिए मैं ताजन के पीछे जाता हूँ। चलो मुझे जाने दो डैडी प्लीज। ताजन, ताजन। कम ऑन बेटी, एक जानवर के लिए इतना क्या रो रही हो? वो जानवर नहीं है डैडी, वो जानवर नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज ह्यूमन, आदमी है आपकी तरह। अच्छा बाबा, वो आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, मुझसे भी अच्छा आदमी है। ऐसे करो, तुम बहुत थक गई हो, अब आराम करो। लाओ, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूँ। कम ऑन, लाइक गुड गर्ल। ओके, नाउ यू लाइ डाउन। गुड। कमो, रूबी के कपड़े बदलकर उसे टैंक में सुला दो। शाखा भूमि कबीले के लोग हैं जिनकी मुझे कई सालों से तलाश थी। यू कॉल पॉपी बलाइव क्या है?
बोलता है? ये पूछता है कि लड़की कहाँ है। बोल जो लड़की लापता है। तो जो ही मनाम के जो आपी। मैं इंसान जो इधर में कुशा। तुम्हारी रूबी। Come on, Tarzan, sing with me. A, A B, B C, C D, D E, E F, F G, G H I J K L M N O P Q R S T U V W. No, W. Lovelu? No, Tarzan, it's W. Bablu. Okay, छोड़ो. W is for world. मतलब दुनिया. चलो मेरे साथ चलो एक नई दुनिया में, ले चलूं मैं तुमको, ले चलूं मैं तुमको, चलो मेरे साथ चलो एक नई दुनिया में, ले चलूं मैं तुमको, ले चलूं मैं तुमको।
Tyson? Yeah. God made man. But Barber and Taylor, they made gentleman. Gentleman, gentleman. Ban gaye tum gentleman. Gentleman, gentleman. Ban gaye tum gentleman. Wife, husband, husband, husband. Bibi, bibi, bibi. Husband, husband, husband. Bibi, bibi, bibi. Tum husband, main bibi. Jodi hai janam janam ki. Husband ki hai duty. Dekhe bibi ki beauty. Pyar kare usse sada. देखनी है दुनिया को
टार्ज़न की तरफ तुम भागी चली जा रही हो, वो टार्ज़न तुम्हारे फादर प्रोफेसर सिटी का कातिल है। नहीं, ये झूठ है। मेरा टार्ज़न कातिल नहीं हो सकता। तो फिर जंगल में दो टार्ज़न होंगे, क्योंकि प्रोफेसर सिटी की जली हुई लाश मैंने खुद देखी। मैं फिर भी नहीं मान सकती। रूबी, तुमको मेरे साथ आना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। क्या कहा? सुनो रूबी,
इसे जानवर के इंजेक्शन से बेहोश करना पड़ेगा। परमा साहब, यस परमा साहब, मैं डीके बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपका टाजन ले आया हूँ। गुड, वेरी गुड डीके, वेरी गुड। तुम फौरन से सर्कस में मेरे मैनेजर के हवाले कर दो। हाय डीके, वेलकम। आई होप यू मैनेजर साहब। आइए मेरे साथ, आइए देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। ये रहा आपका टासन। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। रूबी, 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 सारा रूबी। देखिए ये रूबी कौन है? रूबी मेरी होने वाली पत्नी है, जिससे मैं टार्जन के पहले शो के बाद शादी करूंगा। फैंटास्टिक। Swing! Swing. Ruby. Ruby. Swing you. Thank you.
this. Swing. जानवर पे टस्वे बहाने से कुछ नहीं होगा रूबी। अगर तुमने बहुत जलाया तो कोई एक्सीडेंट करवा के उसको मरवा डालूंगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी डीके, कभी माफ नहीं करूंगी। मौका मिलते ही मैं पुलिस को खबर कर दूंगी। पुलिस? पुलिस को यह बताना मत भूलना कि तुम दो मल्लाहों का कत्ल कर चुकी हो। दो मल्लाहों का कत्ल कर चुकी हो। दो मल्लाहों का कत्ल कर चुकी हो। मैं भी तुमको एक एक करके मारूंगी। So what? फांसी चढ़ा दे, पर एक आदमी को जानवर बनाकर सर्कस में तमाशा करवाने की सजा तुम्हें जरूर मिलने वाली है। This I promise, DK. I promise. एक बात सुन लो रूबी डार्लिंग, ये जो मैं तुम्हें चमकार रहा हूं उससे धोखा मत खाओ। अगर मैं चाहूं अगर एक बात याद रखना रूबी कि मैं शिकारी हूं और तुम मेरी शिकार हो। और आज तक मैंने किसी शिकार को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। ये बात याद रखना रूबी, ये बात याद रखना। हेलो ठीक है, टार्जन बिल्कुल कहा नहीं मान रहा। क्या कहा नहीं मान रहा? डीके मुझे तो डर है कि मेरे शो का क्या होगा। सारी टिकटें बिक चुकी हैं, शहर के बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन भेजा जा चुका है। तुम जल्दी यहाँ जाओ। लेकिन आप प्लीज हरी डीके आ रहा। भाई कहाँ ना आ रहा हूं। अगर तुमने इनका कहना न माना तो रूबी को बड़ी तकलीफ से मारूंगा, समझे? बोल, कहना मानेगा? अब डाजन की जान तुम्हारे हाथ में है रूबी। अगले हफ्ते तुम्हारे गाने पे डाजन का शो होगा। मैं उसे पानी पिला दूं? पहले मेरी बात सुन लो रूबी। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो समझ लो डाजन गया काम से। नहीं नहीं, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं करूंगी। पहले मैं उसे पानी पिला दूं। ठीक है।
लोग यहाँ से बहुत दूर हैं। मेरे सिवाय तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ से बहुत दूर हैं। नमस्कार, अब एक विशेष सूचना सुनिए। अभी अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से खबर मिली है कि जंगल के कई जानवर जिनमें हाथी, शेर, चीते वगैरह शामिल हैं, शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देखे गए हैं। इन खूंखार जानवरों का समूह तेजी से शहर की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। सब जानवर काफी गुस्से में लगते हैं। किशनकांत वर्मा? यस, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए कमिश्नर साहब। जंगल के बहुत से जानवर शहर की तरफ आते देखे गए हैं। आप टार्जन का शो कैंसिल कर दीजिए। जी, ये कैसे हो सकता है? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो सब जंगली जानवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए कमिश्नर साहब, मैं मजबूर हूँ क्योंकि शो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। डियर ऑडियंस, आज आप टार्जन का तमाशा देखने जा रहे हैं। टार्जन अपनी जान पे खेलकर तरह तरह के तमाशे दिखाने वाला है। टार्जन को पकड़ने और ट्रेन करने में मेरी होने वाली पत्नी रूबी का बड़ा हाथ है। कम ऑन रूबी, ऑडियंस को हेलो कहो। हेलो, मुस्कुराओ। आज का तमाशा टार्जन और रूबी के नाम पे है। Ladies and gentlemen, a big hand for Ruby. ध्यान से सुनिए, शहर की तरफ जंगली जानवरों का गिरोह बड़ी तेजी से चला आ रहा है। आप लोग अपने घरों में रहिए। ये जानवर कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत खतरनाक है। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए। सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। पालने का शौक होता है, मैंने ये टार्जन पाल रखा है। देखा न होगा।
अपने दिल को संभालिए, क्योंकि अपोलो सर्कस का टार्ज़न वो करके दिखाएगा जो आज तक संत साधु कर दिखाया करते थे। वहां ऊपर टार्ज़न है। और यहां इन नोकदार कीलों का ये फर्श, टार्ज़न वहां से सीधा इन कीलों के भीड़ में कूदेगा। टार्ज़न और नीचे ये आग का दरिया। लेट्स सी लेडीज एंड जेंटलमैन, टार्ज़न इस आग के दरिया को पार कर सकता है या इन आग के शोलों में समा जाता है। टार्ज़न बताएगी आपको टार्ज़न को ट्रेन करने में कितना टाइम लगा मैडम। इस शो के बाद में आप डीके साहब के साथ शादी करने वाली है। आपको इसके लिए क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी?
मारधार नहीं है, ये ताज़न के शो का दूसरा भाग है। तालियां, 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 ताज़न, ताज़न। Thank you.
दूंगा। तालियां तालियां दोस्तों, तालियां।
तुम सुझाओ मैं इसे। या, बेटा। गुड। या, गुड।